देखिए पूरी तरह मैं तो बार बार आरोप लगाता हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का खजाना भरता है, और जिस दिन बालू के खिलाफ बोलते हैं उस दिन राजद का खजाना भरता है। और ये तो प्रूव हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। जिस तरीके से छपरा में मौतें हुई है, इसके मुख्य जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि शराबबंदी कानून सफल है, उनका दावा तमाम फेल है। बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को लेकर खूब तंज कसा है। वहीं सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू किया है, उससे देखा जाए तो गरीब तबके के लोग परेशान हो रहे हैं, और जहरीली शराब से जो मौतें हुई है उसके मुख्य जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। सम्राट चौधरी ने सीधा-सीधा आरोप लगाते हुए यह साफ कहा है कि मैं उन तमाम परिजनों से मिलूंगा जिनके परिजन नहीं रहे, इस दुनिया से टपक गए जहरीली शराब पीने से, और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार पर जो है FIR दर्ज करें उनके परिजन। तो वहीं सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप लोग। में क्या दिक्कत है भाई? सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल है, सरकार का संरक्षण है शराबबंदी। देखिए पूरी तरह मैं तो बार बार आरोप लगाता हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का खजाना भरता है, और जिस दिन बालू के खिलाफ बोलते हैं उस दिन राजद का खजाना भरता है। और ये तो प्रूव हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो नीतीश कुमार है। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि नीतीश कुमार पर FIR करनी चाहिए। वहीं जिस तरीके से बिहार में शराब बिक रहा है, जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हो रही है, इसके मुख्य जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार में जहरीली शराब नीतीश कुमार ही बेचवा रहे हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने जो है खूब तंज कसा है। वहीं आरे हाथों ले लिया है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को। बता दें आपको कि शराब बंदी को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, और आज जिस तरीके से छपरा में घटना हुई है, लगातार मौतें हो रही है जहरीली शराब पीने से, इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। तो वहीं एक वीडियो सामने निकल के आया था जहां पर नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। तो वहीं एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने जो है यह बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार खुद जहरीली शराब बिहार में बेचवा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से जो है बिहार में मौतें हुई है और लगातार मौतें हो रही है। तो फिलहाल सम्राट चौधरी तमाम आपने बातें सुनी है, वो क्या कुछ कह रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।